हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम एक सरकारी कंपनी इरेडा के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो लोन्स प्रोवाइड करती है। बाकी अदर्स कंपनी है जो उनको लोन प्रोवाइड करती है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो इसके अंदर जो अपर सर्किट लगा है, तो अभी ये बाइंग का मौका है या नहीं है, या कौन से लेवल्स यहाँ पे होने वाले बाइंग के लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपके पास नीचे के प्राइस से ये स्टॉक आपके पास है, और ये वाला जो फॉल आया था बीच में, तो इसको डर के अगर आप सोच रहे हो इससे निकल जाए, या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए बहुत ही तगड़ा शेयर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है। और सबसे खास बात यह है कि ये सरकारी शेयर है, तो भले इसमें स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखने मिले, धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिले, लेकिन ग्रोथ होगी पक्का है ये, क्योंकि मोदी जी खुद जो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इंडिया में। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत ही अच्छा तगड़ा रिटर्न देने वाला मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, या तो यहाँ पे है कुछ, आप क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस लेवल पे 176 के प्राइस पे, या अगर आपको फिर से अगर 150 या 155 के लेवल पे अगर मिलता है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके थोड़े से फंडामेंटल्स पहले हम देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है देखने की। चार्ट ही दिखा रहा है कि अभी ये बुलिश हो चुका है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू हम यहाँ पे फंडामेंटल्स का ले लेंगे। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो तगड़ा मार्केट कैप है इसका, 47.4 का जो है, 47 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 8.17% का यहाँ पे इक्विटी रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, और इसका फेस वैल्यू जो है 10 का है, तो ये आने वाले टाइम में जो है स्प्लिट दे सकता है, इसका हमें स्प्लिट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर देखोगे रेवेन्यू देखोगे तो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर देखोगे नेट प्रॉफिट, तो 2019 से लेके देखोगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल अगर देखोगे तो सॉरी बोरोइंग्स रिजर्व अगर देखोगे तो 36 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग्स है, और इनके पास रिजर्व अगर देखोगे सॉरी रिजर्व 36 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, और बोरोइंग्स इसके अगेंस्ट में अगर देखोगे तो 40 करोड़ का जो है कंपनी के ऊपर डेट है। तो अगर आप फंडामेंटल कभी स्टडी करते हो, और ये डेट अगर बोरोइंग्स देख के अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के ऊपर डेट है, तो आप इससे डर के अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि देखो ये कंपनी क्या करती है, जो बाकी अदर कंपनियाँ जो बिजनेसेस है, तो उनको लोन प्रोवाइड करती है। आप समझो, आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हो, तो बैंक अपने खाते में से खुद के पैसे आपको लोन पे नहीं देती है। वो क्या करते हैं, बड़े बैंक से लोन लेते हैं, और बड़ा बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है, तो वो एक्सचेंज सिस्टम होती है, तो वो दूसरों से लोन लेके आपको ब्याज इंटरेस्ट कॉस्ट लगा के आपको वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर भी ऊपर की बैंक का कर्जा होता है। तो इस बात को समझो आप, तो ये भी अपने खुद के पैसे लगा के आपको लोन नहीं दे रहे, ये भी गवर्नमेंट का पैसा है जो आरबीआई से ये लोग लेते हैं और आगे प्रोवाइड करते हैं, और बीच में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ये जो है कंपनियां प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ये वाला जो लोन है ना, जो अभी हाल ही में अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, तो ये क्यों हुआ है ऐसा, ये आपको डेट क्यों दिख रहा है, या बोरोइंग्स क्यों ज़्यादा दिख रही है? तो ये जो मार्च का मंथ गया अपना, 31 मार्च जो गया 2024 का, तो इन्होंने जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है लोन सैंक्शन किए हैं। लगभग अगर देखोगे तो 37 करोड़ का इन्होंने जो है लोन सैंक्शन किए हैं, पिछले साल के मुकाबले अगर देखोगे तो 14.5% का जो है ज़्यादा इन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिए है। इसलिए जो है यहाँ पे आपको बोरोइंग्स में यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझो, तो ये डरने वाली कोई बात नहीं है, सरकारी कंपनी है, मार्केट कैप भी इसका अच्छा है,
काफ़ी तगड़ा है। और ये जो लोन प्रोवाइड कर रही है तो ये खुद भी लोन लेके फिर आगे प्रोवाइड करते हैं और बीच में इंटरेस्ट जो है उसको प्रॉफिट में जनरेट करते हैं, इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ पे अगर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो मार्च में 2020 में 8% था, 21 में 13, 22 में 15 और 23 में जो है 15, 22 और 23 का जो है ये कंसिस्टेंट है, ये कुछ कम नहीं हुआ है। अगर लगातार देखोगे ओवर द पीरियड अगर देखोगे तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद अगर ये सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ये यहाँ पे होल्डिंग अगर देखोगे तो ये सबसे मेरा पसंदीदा कॉलम है। प्रमोटर अगर देखोगे तो 75% प्रमोटर्स है। यहाँ पे FIIs का होल्डिंग जो है 1.88% है, DIIs जो है इनका 4.37% यहाँ पे स्टेक इनका है। और पब्लिक के पास अगर देखोगे ये वाला 18.75%, सिर्फ और सिर्फ 18.75% पब्लिक के पास है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स ज़्यादा है तो उनको खुद की कंपनी के ऊपर बहुत सारा भरोसा होता है, इसीलिए प्रमोटर ज़्यादा होते हैं। तो ये बात कभी भी याद रखना, अगर जिस भी शेयर में या कंपनी में पब्लिक कम है तो ये बुरा नहीं होता है। पब्लिक अगर सबसे कम हो किसी शेयर में तो ये सबसे बढ़िया बात होती है, और जिसमें प्रमोटर सबसे ज़्यादा प्रमोटर हो तो प्रमोटर का भरोसा होता है कंपनी के ऊपर, इसीलिए वो प्रमोट करते हैं कंपनी को, या होल्ड उनका जो होल्डिंग है स्टेक जो है उनका ज़्यादा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ये ओवरऑल अगर देखोगे तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है इसका। अभी आते हैं चार्ट के ऊपर, तो फंडामेंटल्स में मैं ज़्यादा रिले नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा उसको देखता नहीं हूँ, मैं प्राइस रीड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो कि प्राइस में दिख जाता है कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट के ऊपर सब दिख जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला वीकली चार्ट में लगा लेता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वीकली में काफ़ी अच्छा हमें तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। तो अभी अगर आपके पास है या आप कुछ पोजीशन ऐड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर शॉर्ट टर्म भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अभी आपको सब बोल रहे हैं कि मार्केट अभी करेक्ट करने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, जब गिरेगा तब देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे हम बुलिश हो रहे हैं तो यहाँ पे आप एक पोजीशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इससे एक बार डेली चार्ट लगा लेता हूँ, तो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके रखे है यहाँ पे, अगर देखोगे आप तो देखो, अगर आपको फ्रेश एंट्री अभी अगर करनी है इसमें तो इमिजिएटली जो है आप 176 ये जो रेट चल रहा है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो कुछ क्वांटिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आप इमिजिएटली बाय कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म टारगेट अगर इसका अगर पकड़ के चलोगे आप तो 225 रुपीज़ से लेके 238 रुपीज़ जो है ये इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होने वाला है, और उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर एकदम ही शॉर्ट पोजीशन आपको बनानी है तो कम से कम आप 200 रुपये का टारगेट पकड़ के चलिए, ये जो गैप फिल यहाँ पे पेंडिंग है गैप फिलिंग का, तो ये 200 का जो रेट प्राइस है या टारगेट है, यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट टर्म एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। इमिजिएटली यहाँ पे अगर आप बाय करते हो 176 के रेट पे अगर आप बाय करते हो तो, और आपका स्टॉप लॉस जो है ये वाला जो रेड कैंडल है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 154 का रहेगा, या 153 का भी आप रख सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसी रेट पे अगर बाय करना चाहते हो तो उनका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 120 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। और यहाँ पे इमिजिएटली आप आधा क्वांटिटी बाय कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से सीधा ही ऊपर चला जाएगा तो आप इसे जाने देंगे, और जब मार्केट हो सकता है इलेक्शन के पहले करेक्ट हो या इलेक्शन के बाद करेक्ट हो, तो फिर से अगर आपको यहाँ पे इस प्राइस रेंज में अगर मिलता है 140 रुपये से लेके 130 रुपये के रेंज में अगर आपको मिलेगा तो फिर से आप आधा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो फर्दर अपसाइड मूव के लिए, या एक मल्टी बैगर होल्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो इस कंपनी में आप कर सकते हो। तो ये आपका टारगेट होने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए 238 का और 225 रुपीज़ का, और एकदम ही शॉर्ट अगर एक मंथ के लिए अगर या एक 15 दिन का स्विंग अगर आप करना चाहते हो तो 200 रुपये का इसका इमीजिएट टारगेट होने वाला है।
तो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम। अगर आपने पिछले मेरे कुछ एनालिसिस वीडियोस अगर देखे चैनल पे, अगर नए हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टॉक जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैंने एनालिसिस यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस एल पॉइंट हम लिख देते हैं, एस एल पॉइंट 120 का, और एंट्री यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्री 176। यहाँ पे इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो उनका एंट्री जो है 176 रुपीज़ का रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल ही इसी पॉइंट से रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और जो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक आप बेट ले सकते हो, यहाँ पे आप बाय करके इस टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पार्शल बुकिंग कर सकते हो, और फिर इसके बाद अगर फिर से रिटेस्ट के लिए आता है तो आप फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे, देखो यहाँ पे इसने एक बार मौका दिया था, जब यहाँ पे अगर इस पॉइंट से देखोगे ये वाला कैंडल, इसने वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद जो ये रिटेस्ट करने के लिए आया तो 123 से लेके इसने लो कितना लगाया, 121 से लेके 123 तक जो जब आया था, तो यहाँ पे एक मौका मिला था आपको। तो देखो 3 हफ्ते में 120 से लेके इसने हाई कितना लगाया, 180 का हाई लगा चुका है। मतलब देखो यहाँ पे मौका दिया था जब इसने ब्रेकआउट दिया वीकली का, उसके बाद इसने एक बार यहाँ पे मौका दिया है, तो अभी रिटेस्ट हो चुका है, तो ज़्यादा चांसेस जो है यहाँ से ऊपर जाने के ही लग रहे हैं मुझे। तो रिटेस्ट मतलब यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से जब आएगा करेक्शन, थोड़ा हल्का बहुत हल्का सा करेक्शन अगर करेगा तो आप फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अभी ये तो सर्किट लगा के ऊपर जा रहा है, तो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और किसी और स्टॉक का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको एंट्री बनाना है, तो या कोई स्टॉक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसका कुछ एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे कुछ मैंने स्टॉक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है, 24 मार्च को मैंने दिया था। यहाँ पे अगर इस टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भी इसको आप जो है जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे डीप इंडस्ट्री दिया हुआ था, ये वनडे का चार्ट मैंने शेयर किया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कीप ऑन रडार अबाउट 295 मैंने यहाँ पे प्राइस दिया था। अभी वो तो 300 के ऊपर ही चल रहा है, और उसका स्विंग ट्रेड के लिए दिया था, शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। और ये 24 तारीख को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, और उसको उसके जो टारगेट है 360 से लेके 400 के मैंने ये टारगेट दिए हुए हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ डीप इंडस्ट्रीज यहाँ पे कहाँ चल रहा है, डीप इंडस्ट्रीज आप अगर देखोगे, ये देखो ये डेली का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो आप, ये देखो यहाँ पे इसने हाई 332 रुपये का हाई लगाया, और अभी भी रनिंग अगर देखोगे तो 319 रुपये यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा है। इसी तरीके से मैंने बाकी जो स्टॉक्स हैं ये भी दिए हुए हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं दी है। पोद्दार पिगमेंट्स, पिगमेंट्स अगर आप देखोगे तो मैंने इसका बाइंग लेवल जो है ये 375 रुपये के ऊपर मैंने यहाँ पे बाइंग दिया हुआ है, ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके भी मैंने टारगेट दिए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसका भी मैंने बाइंग लेवल दिया है 265 का, जिसके टारगेट 318, 350 और 480
85 मैंने टारगेट दिया है। उसके बाद अगर देखोगे शांति गियर्स मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए दिया हुआ है अबाउ 585 इसका बाइंग प्राइस होने वाला है। इसके ऊपर आप इसे बाय कर सकते हो जिसके टारगेट जो है 7738 797 लगभग 800। और उसके बाद अगर देखोगे तो 1000 के ऊपर ये हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। उसके बाद HFCL लिमिटेड मैंने दिया हुआ है इसका जो बाइंग प्राइस है मैंने करेक्शन पे बाय इसका बोला हुआ है। जब ये 65 से लेके 70 के प्राइस में मिलेगा तब आप इसे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये यहाँ पे इसके टारगेट दिए हुए हैं। ये जो टारगेट आपको दिख रहे हैं 360 रुपये तक का इसका टारगेट हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग का स्टॉक मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन ये 65 से लेके 70 रुपीज़ आपको जब मिलेगा तब का ये बात होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे स्विंग स्टॉक जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे ये मैंने कॉल दिया हुआ था सुबह के टाइम पे। ये फ्री में टेलीग्राम चैनल जो है अपना फ्री है। यहाँ पे अगर देखोगे मैंने ये सेंसेक्स का भी दिया हुआ था 180 से लेके 190, इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। और ये बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे 1:02 पे मैंने दिया था 48,200 का पी मैंने दिया था 280-300, ये इसका बाइंग प्राइस था। इसने अगर देखोगे तो लगभग 686 का इसने हाई लगाया, तो इसने काफ़ी तगड़ा हमें रिटर्न दिया है। ऐसे निफ्टी के भी हम यहाँ पे कॉल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सब जो होता है ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है या सीखने के लिए होता है। तो आप भी इस चैनल से जुड़ के सीखने की कोशिश कर सकते हो या लर्निंग ले सकते हो। और ये वाला जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, इसका इंटरफेस आप देख सकते हो। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जो हम यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, बेल आइकन दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे कुछ हम स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, कुछ एक्सपायरी के एनालिसिस होते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो 0-0 मैंने यहाँ पे दिया था, जो अच्छा तकड़ा फॉल जो आया था मंथली एक्सपायरी का। तो ये 4 रुपये का मैंने यहाँ पे पी दिया था निफ्टी का, जिसने हाई अगर देखोगे तो 136 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगाया था। ये रिको ऑटो का मैंने यहाँ पे बाइंग प्राइस दिया था, ये इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इसने कैसे एंट्री दिया था और कितने शॉर्ट टर्म में हमें गेन देखने मिला है। तो आप ये वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एस्ट्रल लिमिटेड, रेन इंडस्ट्रीज, नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब स्टॉक जो है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, इनका एनालिसिस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आप ये सब जो है अपने स्टडी पर्पस के लिए जाके चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पे उसका एंट्री बन रहा है, कहाँ पे एग्जिट बन रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे इजी मैट्रिक का मैंने एनालिसिस बनाया है, सुजलॉन का यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, वेरॉक इंजीनियरिंग, सोनोकॉम्स, रेन इंडस्ट्रीज, IEX, ट्राइडेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत सारे ये जो स्टॉक्स है मरीन इलेक्ट्रिकल्स, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो आपके इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए इसका 100% फायदा होने वाला है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और सपोर्ट करो। यहाँ पे जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, उनके उनके साथ इसको शेयर कर सकते हो आप, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्टॉक होल्ड भी है जो हमने अभी एनालिसिस किया है, जो कि एरिडा का है जो है, ये अगर आपके पास होल्डिंग में भी है तो कौन से लेवल से आपके पास होल्ड है और क्या स्टॉप लॉस आप उसका मान के चल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको अगर कुछ और भी आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है उनके वीडियोस अगर मैं बनाऊंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, तब तक के लिए।